सात्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांश ओम ज्ञानतिविरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते समूर्ते श्रीश्रीमद्भक्तिस्वरूपम् सिद्धान्ते प्रभवसिंहात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिलतान्तम् नारायणेति नाम श्रीकृष्णलीला कथन सुदर्श औदार्य माधुर्य गुणैश्वर्यम् परम परम पुरुषम् महान्तम् नारायणस्तम् शिरसन्मान नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त प्रज्ञान केशवायति नामिनि अतिवर्धचरित्राय स्वस्तिकानञ्च पायिनि जीवदुःखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदाय नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिनि हरिवारसभाग्नि देवी दैताय कृपात्मये कृष्ण समर्थविचारि दायिनि प्रभवे नमः माधुर्यदुरप्रमाण त्रिरूपानुगभक्त श्रीगौरकरुणाशक्ति वेद्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये विनतारिणे श्रीरूपानुगभ सिद्धान्तदन्तारिणे नमो भगवतीश्वराय दशाधवरसमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुवे पारम्भाये नमः नमो भक्तिविनदाय रक्षिता Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
तत्पश्चात मेरे संता गुरुदेव नित्रिला और विष्णु विष्णु पाद शोधर सदय श्री 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 मधुदास श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद को चरण में जता प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हमारे ये सब हरे कृष्ण हम लोग गत कल्याण हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने क्या किया, दक्ष प्रजापति की जो तसल्या दक्षों को उन्होंने साधु बना दिया, सब के सब बाबा बना दिया। अभी दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि सारे पूरे संसार को ये नष्ट कर रहा है ये नारद है। इसलिए कहते अवो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया असाधु कार्य भारतानाम भिक्षा मार्ग प्रदर्शित करें। यदि तो नारद से साधु वैसा धारणा किया, लेकिन ये साधु नहीं असाधु है, ये असाधु। उसने क्या किया, मेरे बच्चों को सारे भीख मंगाने वाला बना दिया है, सब भीख मंगवा वाले बना दिया मेरे बच्चों को। खुद का घर का कोई ठिकाना है नहीं है, और हमारे बच्चों को भी बना करके और इनको भी पागल बना दिया, इनको भी बाबा बना दिया। इसलिए उन्होंने बड़े क्रोधित क्रोधित होकर के हैं, अभी वो सोच रहे हैं अभी मुझे क्या करनी चाहिए। नारद तो अभिशाप दे दिया, जे तुमको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं तो रोक नहीं टिक सकते। नारद खुश हो गए, तो अच्छी बात है, एक जगह पे रह करके संत बनाता था दुनिया को संत, इसलिए तो खुश हो गया। अभी वो दुखी हो गया था, क्या बजाओ मेरे सृष्टि पर दस दस हजार बच्चा को साधारण बात है, पहले मानसिक सृष्टि था, दस दस हजार बच्चों को, बीस हजार बच्चों को साधु बना दिया। लेकिन नारद तो प्रसन्न हो, बड़े खुश हो, बिना बजा बजा के नाच रहे। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है अगर एक व्यक्ति को प्रभुपाद कहते ना, अगर जो माया में भूले भटकते हुए जो जीव, एक जीव को अगर किसी ने भगवान की भजन में लगा दिया, उसको करोड़ों हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज करने पर जो पुण्य उससे भी ज्यादा लाभ होता है, हैं? जैसे जब ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, नारद की बिना बजा बजा करके नाच नाच करके गा रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो संसार में दुख दुख होकर है, संसार में तो कोई सुखी नहीं है, जगत संसार में सब दुखी संसार में, इसलिए एक जो दुखी व्यक्ति को अगर कोई सुखी करते चिरकाल के लिए, तो इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ है नहीं। और एक एक ने बीस बीस हजार बच्चों को हमने भगवत धाम तक पहुंचा दिया, इससे बढ़िया काम कुछ हो सकता है, इससे कुछ बढ़िया काम है नहीं। इसलिए नारद भी प्रसन्न है, मैंने इतने बच्चों को भले ही मेरे को अभिशाप दे दिया, लेकिन मैंने कम से कम इतने बच्चों को तो मैंने कल्याण कर दिया ना। हमारे मंदिर में भी ऐसे होता है, है? हमारे मंदिर में जैसे छोटे छोटे बच्चे का छोटे का ये उम्र कौन सा उम्र है, पिता माता जी गर्भ में धारण किया दस महीना तक, फिर बच्चों का पालते हो, कितने कष्ट से बच्चों को खिलाना पिलाना बड़ा करना, उनको लिखा पढ़ा करना, कितने पैसा खर्चा होता है एक बच्चों को, कितने पैसा। पिता माता क्या सोचते हैं, बुढ़ापा में मेरे लकड़ी बनी लठिया बनेगा, बुढ़ापा में देखभाल करेगा। लेकिन इन लोग ने उसी समय जब उनको नौकरी करके पैसा कमाना था, पैसा तो खर्चा कर दिया पिता माता, लेकिन नौकरी करके जब पैसा कमाना था इस समय पिता, लेकिन उसी समय भी सब साधु करते, इसलिए बहुत लोग प्रभुपाद को भी अभिशाप दिए, बोले हमारे सब इतने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को तुमने साधु बना दिया है, साधु बना दिया। इसलिए प्रभुपाद को भी गाली दी, हमारे गुरुवर्गों को भी गाली दी है, गाली दी।
लेकिन प्रभुपाद कहते बोले अभी ये चीज तुम नहीं समझोगे, एक ना एक दिन आएगा जब इसका क्या महत्व है इसका महत्व तुम समझोगे। अभी नहीं समझ पाओगे बाद में इसका महत्व समझो। क्यों? जब वंश में एक बेटा प्रभु का भजन करता है उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। पहले तो उसको पिता माता ही उद्धार होता है। इस जीवन में भले ही पिता माता को अपना किला पिला दिया लेकिन जन्म मृत्यु का चक्कर से निकाल नहीं सकता है। जब कोई बेटा प्रभु की भक्ति करने आता है भगवान खुद कहते हैं उसको पीछे जो काम रह जाता है, मैंने 36 करोड़ कर्म काटी ब्राह्मण को मैंने नियुक्त करके रखा, जो बच्चा सब छोड़ करके मेरे शरण में आएगा उसका पीछे जितने काम को तुम लोगों को करना सारे काम तुम करना। अजब बेटा प्रभु की भक्ति में भजन कर लेता है भगवान खुद कहते हैं मैंने उसका परिवार को गर्व देखना पड़ता था। क्यों? बिल्कुल तो सब छोड़ कर भजने के लिए आ गया, अभी पीछे का काम कौन करेगा? मुझे भी करना पड़ेगा, तो मेरा सेवा में लगा हुआ है, मेरे सेवा में लगा हुआ है। इसलिए नारद तो बड़े प्रसन्न हुए, इतने बच्चों को मैंने भगवान के धाम में इतने बच्चों को मैंने, लेकिन दक्ष प्रजापति और दुखी हो गया। बोले 10,000 बच्चे जन्म दिया कोई ज्यादा न बात, मेरे मानसिक सृष्टि था जिनको सब ठीक मकाने वाले बना दिया, इसने दुखी हो गया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी उनको शांत बना दिया, ठीक दो बार हो गया कोई चिंता मत करो, फिर सृष्टि करो, फिर सृष्टि करो। लेकिन ब्रह्मा नहीं बिगड़ी, दक्ष प्रजापति तो बिगड़ी लेकिन ब्रह्मा उत्साह होती है। क्यों? ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा वो वैष्णव है, वो जानते हैं बड़े भाग्य से कोई प्रभु का भजन करता है, बड़े भाग्य से कोई प्रभु का रास्ता पर तो बड़े भाग्य में कोई जीत जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी दुखी नहीं हुए, उत्साह होते बिल्कुल बात नहीं कर सृष्टि कर। दक्ष प्रजापति सोच रहे क्या करे क्या करे क्या सृष्टि करे, लेकिन फिर नारद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो सोच रहे नारद तो घर में पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर मेरे बच्चों को साधु बच्चों को फिर साधु बना देगा। अभी क्या सृष्टि करे जो कि मेरे बच्चों को साधु नहीं बना सकता। बोला अभी तक मैंने लड़का को सृष्टि किया, लड़की को सृष्टि करो, लड़का नहीं सृष्टि करूंगा लड़कियों को सृष्टि करूंगा। बोले क्यों? बोले जो साधु है वो लड़कियों से दूर रहते, इसलिए बोले भगवत भक्ति में सबसे बड़ा बाधा क्या हो? लड़की जो ब्रह्मचारी बनते हैं उसके सबसे जो बड़ा बाधा इसके भक्ति को, मतलब संत गोस्वामी महाराज एक बार हमारे मठ में आए थे। मैंने कहा महाराज जी भजन कैसे होगा, तो उन्होंने केवल एक ही बात बताया, बोले केवल एक ही बात ध्यान रख लो लड़कियों से दूर रहे, अगर इनसे अगर दूर रह गया तो किसी तरह से तुम्हारे साधन भजन हो सकती है, अगर उनके चक्कर में फंस गया तो गया तुम्हारी परमात्मा जीवन, तुम्हारी भक्ति जीवन संपूर्ण नष्ट हो गया, फिर तो भक्ति भक्ति नहीं होगी दिन रात है, फिर वही चिंता दिन रात तुम्हारी वही चिंता दिमाग में घूमते रहेगा। एक चीज से बच जाओ, जीवन में तुम्हारी कुछ होने वाले है नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारी जीवन, ऐसे तुम्हारी बीत जाए। इसलिए ये दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं जो साधु लोग हैं ये नारद जी साधु ये लड़कियों से दूर रहते हैं, फिर तो ये बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता। सृष्टि किया 60 लड़की सृष्टि की, 60 लड़की उन्होंने सृष्टि की, सृष्टि करके उन्होंने क्या किया 10 लड़कियों को उन्होंने धर्म को प्रदान किया, 13 लड़की उन्होंने कश्यप जी को प्रदान किया, 27 लड़की उन्होंने चंद्र को प्रदान किया, अवशेष में जो 10 लड़की रह गए उनका धर्म 4 कश्यप जी को एवं 6 को अंदर में 2-2 करके करके भूत अंगिरा और क्रीस्वांसर उनको उन्होंने ये लड़कियों को प्रदान किया है। प्रदान करके अभी जब उनमें 60 लड़कियां हुई उनका दामाद भी हुए। यहां पर कहते हैं दक्ष प्रजापति भगवान ने ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था ना सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ, जब उन्होंने जिनकी 60 बेटी शादी होगी बताओ उससे कितना संतान होगी, कहते ये 60 बेटियों से ही ये पूरा जो जगत है ना उससे कुछ देवता लोग जन्म हुए, देवता को जो कन्या प्रदान की कुछ देवता लोग प्रकट हुए, जो मनुष्य को उन्होंने जो बेटियां प्रदान की उसको जो मनुष्य लोग प्रकट हुए,
कहते नाग हमको जो प्रदान किए, नाग लोग सृष्टि हुए, कहते पशु पक्षी ये असंख्य जीव उत्पन्न होकर के ये विश्व भर गया, उनसे ही ये विश्व भर गया, पूरा पूरा विश्व उन्होंने साथ साथ बेटियों को जन्म दे करके पूरा पूरा उनका विश्व उनका भर गया। अभी इधर क्या हुआ, एक दिन देवराज इंद्र जब उन्होंने इंद्र सिंहासन में बैठे, इंद्र का पोस्ट है वो भी बहुत बड़ा, जैसे कुछ दिन पहले ना दक्ष प्रजापति की कथा सुने, जब उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद नियुक्त कर दिया, करना प्रभुता भाई काम बदना, जगत में से कौन सा व्यक्ति जिसको ऊंचा पोस्ट मिल जाए और वो अभिमान नहीं आ जाए, ये बहुत बड़ा खतरनाक है, बड़े खतरा पद है, खतरा पद है। इसलिए कहते उन्होंने एक दिन सची को साथ में अपना सिंहासन में बैठे हुए थे, इंद्र जब बैठे हुए थे आसीन होकर के वहां प्रसिद्ध चार गंधर्व ए सब के सब जितना देवता लोग महाराज इंद्र की जय जयकार कर रहे थे, बड़ी गले में गजरा की डाला माला डाल रहे थे, इंद्र की बड़ी स्तुति हो रही थी। जब स्तुति हो रही थी इतने में देवगुरु बृहस्पति वहां पर आए, जब उन्होंने देखा देवगुरु बृहस्पति को आते हुए देखा, वो देख करके इंद्र ने थोड़ी समय के लिए उसको जो जय जयकार हो उसने क्या सोचा, गुरु जी का कोई बुद्धि विवेक है नहीं, जब उसका मुंह उठा कर चले आ रहे अभी मेरा जय जयकार हो रहा है, गले में गजरा का फला माला डाल रही महाराज इंद्र की जय जय और सच्ची मेरे सामने बैठी पास में बैठी राम पास में सब देवता लोग मेरे इतने जय जयकार कर रहे हैं और गुरु जी का अपनी बुद्धि विवेक है नहीं, जब उच्चा तब मुंह उठा कर चले आते। लेकिन इतने में उन्होंने जब गुरु जी को देखा, गुरु जी आए तो भी क्या करना पड़ेगा, खुद को सिंहासन से उतारना पड़ेगा और गुरु जी को सिंहासन बैठना पड़ेगा, अभी गुरु जी की पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए उसको थोड़ी समय के लिए ना अहंकार आ गया। उन्होंने देख गुरु जी को देख करके ना उसने थोड़ी सी मुंह घुमा दिया, गुरु जी आए तब क्या करनी चाहिए, इतने जोर से गुरु जी आ रहे देख करके, अगर हम किसी सिंहासन में बैठे कथा में बैठे कहीं भी बैठे उस समय में खड़े हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं गुरु जी आ गए हम जैसे तैसे बैठे हुए हैं, गुरु जी आए हम बैठ गए वैसे बैठने, ये अपराध है, इसलिए गुरु जी आते ही उनको जाकर के स्वागत करके करना अंति निंदी वैदेष्टि वैष्णव अनंते अभिनंदति, नियम है अभिनंदन करनी चाहिए, इसलिए वो अभिनंदन क्या करेगा, गुरु जी को तो दूर से देख करके उन्हें तो मुंह फेरा दिया, अब गुरु तो साधारण थे तो सब समझते लो मेरी कृपा से इंद्र पद मिल गया ना, दर दर भटक रहा था दैत्य लोगों ने छीन लिया था, मेरी कृपा से तेरे को ये इंद्र पद मिली, जिसकी कृपा से इंद्र पद मिल गया अभी तो आए तो देख करके तो मुंह घुमा रहे हो, हैं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा था, क्या कल्याण के लिए, जब दैत्य लोग को उन्होंने हरा दिया था भगा दिया था, इसलिए दैत्य लोग परामर्श कर रहे थे इंद्र को कैसे फिर परामर्श कर, और ये बात बताने के लिए गुरु जी आ रहे थे उसका कल्याण के लिए आ रहे थे, लेकिन ये तो अभिमान चूर है अभिमान भी है चूर है, इसलिए उन्होंने बस वहीं से बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए इतने में इंद्र जब देखा अरे गुरु जी आ रहे थे मेरे उनको तो अपमान कर दिया मुंह फेरा दिया सम्मान नहीं किया गुरु जी अंतर ध्यान, इंद्र जो थोड़ी समय के लिए उसको अहंकार अभिमान आ गया था, फिर गुरु जी को ढूंढने लगे कहाँ गुरु जी कहाँ गुरु जी है, अभी गुरु जी तो चले गए अंतर ध्यान हो गए गुरु जी ढूंढे गुरु जी मिले ही नहीं, जब गुरु जी को अपमान कर दिया उसको क्या हो गया उसको श्री भ्रष्ट हो गया, उसको कहते सुराज्य लक्ष्मी उसको त्याग किया, लक्ष्मी उसको त्याग दे दिया, कहते जब गुरु जी किसको पर असंतुष्ट हो जाए नाराज हो जाए क्या होता है उसका श्री बल पौरस सब के सब वही समाप्त हो जाता है। हमारे एक बड़े गुरु भाई थे जिसको गुरुदेव सोच रहे थे कभी सत्य में इनको आचार्य बनाए, गुरुदेव ये किए उसका आचार्य बनाए और उसका अंदर में तो अभिमान है गुरु जी मेरे को आचार्य बनाएंगे गुरुदेव, अरे वाह वाह क्या अहंकार, बोले जब वो थोड़ी सी नक्साल पट में पहले था और उसने अपना स्वरूप को उसने दिखाया अपना स्वरूप को दिखाया और गुरुदेव रहते हुए बोले गुरुदेव जब चले जाएंगे ना सबको निकालेंगे एक एक करके मठ से मठ में चौकीदार रख लेंगे इसको सब निकालेंगे, क्योंकि उनसे कोई बड़े बड़े गुरु भाई थे नियम है जो तुम्हारे बड़े गुरु भाई है
उसको सम्मान देनी चाहिए। है ऐसे नहीं बाद में आए थोड़ी सी अगर गुण आ गया जो बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई हो उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं रोज जो आरती बजाती है तुलसी परिक्रमा हो जाती है हम क्या करते हैं प्रणाम करते ना। क्यों अगर हमारे किसी वैष्णव चरण में अगर अपराध हो गया हे वैष्णव ठाकुर हमारे अपराध को माफ कर दो क्षमा कर दो। इसलिए हम रोज क्या करते हैं सब वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं। इसलिए महाराज कहते एक दिन तुमसे पहले जो केवल एक दिन तुमसे पहले आए उसको हर समय सम्मान दिया करो। जैसे भक्ति वेदांत भक्ति विक्रम को महाराज है भक्ति विक्रम महाराज हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हमारे नारायण बाद में आए पहले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आए लेकिन त्रिविक्रम महाराज से योग्यता किसके ज्यादा हमारे महाराज की। लेकिन हर समय सबसे पहले हमारे नारायण गोस्वामी महाराज झूम करके त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को प्रणाम सबसे पहले झूम कर प्रणाम करेंगे। आएंगे तो खड़े होकर के दोनों गुरु भाई है दोनों गुरु भाई और उनसे अंदर में ज्यादा योग्यता है। लेकिन मने पर भी जब महाराज आएंगे ना साथ खड़े होकर के पहला आसन उन्होंने अपना बड़े गुरु भाई। इसलिए जो जितने दूसरों को सम्मान देता है ना उसका महिमा जगत में उतना ही बढ़ता है। हैं कहते जय देने से जय होता है जय देने पर जय होगा। किसको सम्मान करो ना तुम्हारे सम्मान होगा। अगर किसको तुम सम्मान ही नहीं दोगे तुम्हारे भी कोई सम्मान नहीं करेगा। एक दो दिन करेंगे ये ऐसी अभिमानी घमंडी है उसको अभिमानी घमंडी है कुछ दिन बाद उसको भी अभिमान उसको भी त्याग दे देंगे। इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने नाराज हो गए गुरु जी सारे श्री भ्रष्ट सारे ऐश्वर्य भ्रष्ट। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु भाई थे बोले आचार्य पद में उनको नियुक्त करेंगे लेकिन वो पहले से आचार्य बनने से पहले ही क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट सब कुछ उनको पता था थोड़ी समाज में नाम था थोड़ी सी मतलब ये थे अच्छे थे इसलिए गुरुदेव सोच रहे थे बनेगा तो ये करेगा। लेकिन अभिमान आ गया गुरु भाई को अनादर करना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने देखा भैया मैं सोच रहा था तेरे का आचार्य बना तुम क्या आचार्य बनोगे दूसरों को अनादर करना तुम शुरू कर दिया। गुरुदेव भी अनादर करती गुरुदेव भी नेग्लेक्ट करती जब नेग्लेक्ट करती बड़े प्रभावशाली था बड़ा प्रभावशाली था। जब गुरुदेव नाराज हो गए धीरे 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 उसका प्रभाव धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। अरे नीचे उतरते उतरते आगे लगे रोड में आ गए एकदम रोड पे आ गए ऊपर में फिर तुमको मंदिर त्याग देना पड़ा क्योंकि जब गुरु जी नाराज हो गए गुरु जी बात करना छोड़ दिए सारे ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा अतः एक दिन मंदिर से बाहर जाना पड़ा। जा करके कभी भी उन्होंने कहीं पानी होगा ना ग्लास में जैसे ये करके ग्लास कभी नहीं किया ऐसे सेवा करते थे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग ऐसे सेवा करते थे। लेकिन जब बाहर गए कोई पूछने वाले नहीं कोई खिलाने वाले नहीं कोई पूछने वाले नहीं कोई अभ्यर्थना करने वाले नहीं इतने नीचे गिर गए इतने नीचे गए। इसलिए हर समय हमें गुरु वैष्णव को हर समय आदर देना हमें सीखनी चाहिए ये चीज को गांठ बांध। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते ना कहते बड़ा कृपा करी गौरव नवाजे गोत्र में दिया चस्थान आज्ञा दिला मरे यही ब्रजवसी हरि नाम किंतु कवि प्रभु योग्यता अति बेटे दास ने दया करे चित्त स्थिर है सफल साहिब एकांत भज को है। इसमें कहते हैं सकल सम्मान करी ते सकती देह नाथ जथा जथ गुरुदेव हमें ये कृपा करो सकल सम्मान जैसे सबको हम सम्मान दे सकते किसको असन्मान जैसे कभी किसको नहीं करे है ये योग्यता हमें प्रदान करो सकल सम्मान करिते सकती देह नाथ जथा जथ बोले तबे तो गाई व हरि नाम सुख अपराध होगा तभी अपराध दूर होगा तभी भजन कर सकते हैं जब सबको हम सम्मान सबको सम्मान असन्मान करेंगे तो असन्मान मिलेगा इसको सम्मान करेंगे तो हम सम्मान मिलेगा। इसलिए सबको यथा योग्य कहते जीवे भी सम्मान दिवे जाए कृष्ण अधिष्ठान हर जीव को भी सम्मान देनी चाहिए। क्यों सभी का हृदय में परमात्मा रूप में ठाकुर बैठी भगवान सभी के हृदय में ठाकुर का निवास है इसलिए सबको सम्मान देनी चाहिए। इसलिए इंद्र ने जब गुरु जी को उसने अनादर किया सारे श्री खत्म।
भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होते ही शुक्राचार्य ने अपना गुरु जी चेलों को बुलाया, दैत्यों को बोले जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या बात है? बोले उसने अपना गुरु जी को अनादर कर दिया। जब गुरु जी नाराज होकर चले गए, अब उसका सारे लक्ष्मी ऐश्वर्य खत्म हो गया, आक्रमण कर शुरू हो गया। जब आक्रमण किया ना, गुरु जी तो नाराज हो गए, सारे बाल ऐश्वर्य खत्म। फिर आक्रमण किया तो मार मार करके इधर भगा दिया, स्वर्ग राज्य से भगा दिया, खदेड़ दिया उसको। और जितने दैत्य लोग थे ये सब के सब जाकर के इंद्रासन में बैठ गए। बस अब दर दर भटकते रहे, इंद्र दर दर भटकते रहे। जब भटकते रहे बड़े दुखी हो गया, दुखी होकर के फिर उन्होंने गया अपना गुरु से चले गए। फिर ब्रह्मा जी के पास माफी मांगे, ब्रह्मा जी बड़े डांट लगाए, बोले गुरु जी की कृपा से सब कुछ मिला, और गुरु जी को यह अनादर करना है तुमने शुरू कर दिया। देखो कहां के हैं, गुरु जी का अनादर करते हैं। गुरु जी कृपा से तुमको सब कुछ मिला, और तू गुरु जी का अनादर कैसे तुमने कर दिया? माफी मांग, चरण में गिड़गिड़ गया, बोले अपराध हो गया, क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हाँ क्षमा कर दो। खैर उन्होंने तो ठीक है, एक काम करो। बोले त्रुष्टा उसका जो तने है, जो विश्व रूप, उसको पुरोहित बना, उसको पुरोहित बने के यज्ञ करो, हैं यज्ञ कर दो। फिर उनकी कृपा से उन्होंने क्या होगा, उनको पौरोहित रूप में उनको बैठा करके कहते क्या करो, फिर उनको कृपा को प्राप्त करो, उनको उपासना कृपा प्राप्त करो। फिर जब उन्होंने विश्व रूप का अपना पुरोहित बना करके उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया, फिर उनकी कृपा से फिर दैत्यों को परास्त किया, और परास्त करते हुए फिर उन्होंने इंद्रपद को उन्होंने इंद्रप्रद को प्राप्त किया। फिर वहीं पर से सुखदेव गोस्वामी परिणित महाराज को कहते जो विद्रासुर को जो भ्राता जो विश्वरूप है, कहते विश्वरूप इंद्र सन्निध है, कहते ये इंद्र को सान्निध्य में नारायण कवच है। तब उन्होंने ये नारायण कवच की महिमा बताई, अगर ये नारायण कवच को कोई पाठ करेगा ना तो सर्वसिद्ध में सर्वसिद्धि प्राप्त हो सकता है। नारायण कवच है, उन्हें नारायण कवच की महिमा और नारायण कवच की बात बताई। उसको हस्त में धारण करने से, उसको पठन पाठन कर से सर्वत्र विजय की प्राप्त होता है, विजय की। तब यहाँ पर कहते जो विश्व रूप है इसकी कहते तीन तीन मस्तक था, उनका तीन सर था। तीन सर से क्या करता था, आसन विश्वस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमापीथम सुरापीथम मरनाद मित्र सुश्रु। उनका तीन सर था, तीन सर में क्या तीन काम करता था, तीन सर बोले क्या करता था, बोले एक सर में उसको तो सोमपीथम, उस सर का नाम सोमपीथम, उसको द्वारा सोमरस को पान करता था। कहते और दूसरा जो सर था कहते सूरा पीथम, उसको द्वारा सूरा को पान करता था। तीसरा जो अन्न था, जिसको द्वारा वो अन्न को भोजन करता था। लेकिन जब उन्होंने ये विश्व रूप को पुरोहित रूप में स्वीकार करते हुए जब यज्ञ करवाए, लेकिन ये इनका जो पितृपक्ष है ना, जो पितृ जो मतलब पिताजी थे, ये थे देवता पक्ष थे, लेकिन उनका जो मां थी ये थे राक्षस यज्ञ पक्ष की। अभी पितृपक्ष पिताजी और माँ के पक्ष यज्ञ लोग अभी स्नेह तो रहता है, लेकिन जब वो सुहा सुहा कर रहा था ना, जब यज्ञ में आहुति दे रहा था, उसने उसने क्या किया, उच्च स्वर में तो इंद्राय स्वाहा है, इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा 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 बोलकर जोर जोर से बोल रहा था। लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे 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 धीरे, चूंकि माँ की पुख्य दैत्य पक्ष है, स्नेह स्वाभाविक रूप में रहते माँ के प्रति, वो मन मन में ना ये दैत्यों का नाम बलबला है स्वाहा है, ऐसे करते करते उन्होंने दैत्यों को भी स्वाहा स्वाहा कर दिया। अभी इंद्रों को पता चला कि मन मन ऊंचे ऊंचे स्वर में इंद्राय स्वाहा अग्नाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कर रहा है, ये मन मन में धीरे धीरे कुछ बोल रहा है, कान लगा के सुना कि क्या बोल रहा है। देखा इधर राक्षस का नाम पर आहुत दे रहे, और जिसका नाम पर आहुत दो ना उसका ही विजय प्राप्त होगा, और इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया। बोले पुरोहित पद में मैंने तुमको नियुक्त किया, और तो दैत्यों के नाम पर तुम अग्नि में आहुत दे रहे, उनका बल बढ़ेगा। इंद्र आया तलवार लेकर के, सीधा गला को उसने
गला काट दिया। जब गला काट दिया अभी ये तो ब्राह्मण है, लेकिन उसको ब्रह्म हत्या की पाप लग गई है। ये ब्रह्म हत्या का पाप लगी, ये ब्रह्म हत्या का पाप जब लगी इंद्र को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जब कष्ट उठाना पड़ा इंद्र को, उसको बाद में किया गया उन्होंने एक वर्ष उन्होंने लोकापवाद को, निंदा को सह करके उसको दूर करने के लिए उन्होंने 40 स्थान पर ये पाप को उन्होंने पटवा दिया। बोले कहाँ पर? हाँ, ये ब्रह्म हत्या तक एक भूमि, ये पृथ्वी को उन्होंने एक उन्होंने दे दिया। बोले जहां पर जमीन बंजर होता है ना, क्या बोलते बंजर, जहां पर बंजर जमीन है वो पाप का फल है, इसलिए वहां पर कुछ कोई नहीं बनाएगी। इसलिए नियम है जहां पर बंजर जमीन होना कोई यज्ञ कोई शुभ काम होना नहीं होता। जिस मिट्टी में फलता फूलता है हरा भरा है वहां पर कोई काम करो, यज्ञ करो, घर मकान वहां बनाओ, खूब फलते फूलेगा। अगर जब बंजर जमीन पर कुछ काम करोगे ना, धीरे 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 सब भरते जाएगा, वो कभी ऊंचा नहीं होगा। इसलिए और उनको दे दिया, लेकिन उनको बरदान भी दिया, बरदान किया दिया। बोले अगर कभी एक गड्ढा हो जाएगा या अपने आप ही भर जाता है, आप जरा गड्ढा हो जाएगा ना तो धीरे 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 अपने आप को भर जाएगा। कहते यहाँ पर एक अभिशाप हुआ। उसको बाद में उन्होंने पानी में जो बुदबुद होता है, फेंट झांक होता है, ये ब्रह्म हत्या के पाप है, है? ब्रह्म हत्या के पाप है। इसलिए नियम है अगर कहीं शुभ काम के लिए आप पानी ले जाते हो, इसलिए जहाँ फेंट झांक है पानी में वहां के पानी को नहीं लेनी चाहिए, वो अपवित्र मानी जाती है, ब्रह्म हत्या का ये पाप है। तीसरा है कहते वृक्ष, पेड़ में उन्होंने पेड़ को दे दिया, इसलिए पेड़ को दे दिया। कहते पेड़ में जो गोंद निकलता है ना, कितना गोंद, ये पाप का फल है, इसलिए पाप का फल। लेकिन उनको भी उन्होंने बरदान दिया। मतलब क्या बरदान दिया? जब आप पेड़ को काट दोगे तो पेड़ को दोबारा उन्होंने हरा भरा फिर दोबारा आ जाएगा। बरदान सबको दिया, पाप तो दिया लेकिन बरदान भी उन्होंने किया। पर स्त्रियों में जो रजस कला होता है, उसी समय में ठाकुर का कोई सेवा पूजा उस समय में नहीं करते हैं, उनको ऊपर में बरदान भी है, अभिशाप भी है, उनको ऊपर में बरदान भी है। इसलिए उन्होंने ऐसे ही चार जगह पर उन्होंने सर पाप उन्होंने चार जगह पर बांट दिया। बांटने का बाद फिर उसको बाद में फिर क्या होता है, फिर कैसे वृद्धासुर कैसे प्रकट होता है और वृद्धासुर कैसे भगवान को स्तुति करते हैं, फिर उसको फिर आगे आप उस कथा को भविष्य में श्रवण करते हैं। अब कब होगी कथा? अरे कब होगी ये कथा? अभी हम जब इधर से आएंगे ना, हम कुछ कुछ कथा बोलते रहेंगे, वो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो फिर व्हाट्सएप में रोज रोज आप बैठे बैठे गए ना तो कर देंगे, मैं वो जाएगा साथ में, हम जहाँ जाएंगे वहीं वहीं थोड़ा सा बता दे रहूँगा, तो थोड़ा सा बता दे रहूँगा। चाहे गुरु जी आप आगे की कथा चालू रखना, वो तो सब लोगों को तो उससे ही व्हाट्सएप फेसबुक से ही मिल जाएगा सब। वही तो बोल रहे हैं इसको, इसलिए तुम लोग ना